Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with application of trigonometry. First, line of vision. If the observer is standing at the location A, looking at an object B, then the line AB is called line of the vision. Means, जब कोई व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो व्यक्ति और ऑब्जेक्ट के बीच बनने वाली लाइन को हम लाइन ऑफ विजन कहते हैं. सेकेंड, एंगल ऑफ एलिवेशन. इफ एन ऑब्जर्वर एट ए ऑब्जर्व्स द पॉइंट बी विच इज एट अ लेवल हायर देन ए एंड ए एम इज द हॉरिजॉन्टल लाइन देन एंगल बी ए एम इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. मीन्स जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर रखे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उनके बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है. थर्ड, एंगल ऑफ डिप्रेशन. इफ एन ऑब्जर्वर एट ए ऑब्जर्व्स द पॉइंट सी विच इज एट अ लेवल लोअर देन ए एंड ए एम इज द हॉरिजॉन्टल लाइन द एंगल एम ए सी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. मीन्स जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे रखे ऑब्जेक्ट को देखता है तो इनके बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है. लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 6.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस of 80 meter from a church looking at its top. The angle of elevation is of 45 degree. Find the height of the church. Solution. Diagram. A person is standing at a distance of 80 meter from a church looking at its top. The एक church है, मान लीजिए A B एक church है. Church से 80 meter distance पर, 80 meter distance पर एक person खड़ा है C. वो यहाँ से church के top को देख रहा है. The angle of elevation is of 45 degree. टॉप को देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का. ये एंगल 45 डिग्री है. डिस्टेंस 80 मीटर और एलिवेशन एंगल का मतलब जानते ही हैं. एलिवेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं. जब कोई पर्सन नीचे से खड़े होकर ऊपर किसी वस्तु को देखता है तो वो एलिवेशन एंगल बनता है. लेट ए बी represent the height of the church and point C represent the position of the person. मतलब यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग ए बी एक चर्च है और सी पॉइंट पर एक पर्सन खड़ा है जो ए पॉइंट पर देख रहा है. तो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है. कितने डिस्टेंस पर खड़ा है? 80 मीटर दूर. चर्च से 80 मीटर दूर खड़ा है मतलब बी सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 80 मीटर. देयरफॉर BC equal to 80 meter. Angle of elevation equal to angle
ACB, angle ACB equal to 45 degree and right angle triangle ABC 10-45 degree. अब यहाँ पर देखिए हम 10-45 degree इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें find करना height of the church, मतलब AB की value हमें find करनी है. AB की value find करनी है और tan theta का formula होता है P divided by B. हमें इस side का कोई use नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ P and B, perpendicular and base का use हो रहा है. तो P by B tan theta का formula होता है, तो हम यहाँ पर 10-45 equal to लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, क्योंकि पी डिवाइडेड बाई बी तो पी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी, बी इक्वल टू बी सी. बाय डेफिनेशन देयर फॉर 10-45 डिग्री इक्वल टू वन, 10-45 की वैल्यू होती है वन, इक्वल टू ए बी, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय बी सी, बी सी इक्वल टू 80 मीटर. देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने लिखा वन. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेंगे तो 80 इंटू वन इक्वल टू 80 इक्वल टू ए बी इंटू वन इक्वल टू ए बी. देयरफॉर ए बी इक्वल टू 80 मीटर आंसर आ गया, मतलब हमारी जो चर्च की हाइट है वो भी कितनी है 80 मीटर. देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर. क्वेश्चन नंबर सेकंड. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन of 60 degree if the height of the lighthouse is 90 meter, then find how far a ship is from the lighthouse root 3 equal to 1.73. यहाँ पर हमें एक डायग्राम बनाना है. From the top of a lighthouse, तो यहाँ पर ए बी क्या है, एक लाइट हाउस है. लाइट हाउस के टॉप से, लाइट हाउस के टॉप से एक नीचे की तरफ एक शिप खड़ी है, उसे देख रहा है एक पर्सन, यहाँ के ये देख रहा है. तो यहाँ पर जब ये एंगल बनेगा और डिप्रेशन एंगल है तो यहाँ की साइड बनेगा वो एंगल 60 डिग्री, यहाँ की तरफ वो 60 डिग्री एंगल बनेगा. तो ये एक अल्टरनेट एंगल है, यहाँ पर कि जेड फॉर्म बन रहा है तो एक अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ पर भी वही 60 डिग्री का ही एंगल बनेगा. हमें लाइट हाउस की हाइट गिवन है 90 मीटर, मतलब ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 90 मीटर. देन फाइंड हाउ फॉर अ शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, शिप लाइट हाउस से कितनी दूरी पर है वो हमें फाइंड करना है, मतलब यहां हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी. सॉल्यूशन, लेट ए बी represent the height of lighthouse and point C represent the position of the ship. C represent the position of the ship. अब हमें यहां पर लाइट हाउस की हाइट गिवन है, मीन्स ए बी की वैल्यू हमें गिवन है. यहां देखिए हमें इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, मीन्स ए बी की वैल्यू हमें 90 मीटर गिवन है. ए बी इक्वल टू 90 मीटर, ए बी इक्वल टू 90 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन
इक्वल टू एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल पी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ रे ए पी इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी. अब यहाँ पर देखिए ए पी एंड बी सी दोनों ही पैरेलल लाइन है और ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर एंगल ए पर बनने वाला एंगल और एंगल सी पर बनने वाले एंगल दोनों एंगल सेम होंगे, तो एंगल पी ए सी इक्वल होगा कौन से एंगल बी सी ए के या ए सी बी के, मीन्स एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल पी ए सी के. देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी ए सी, और पी ए सी की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री, तो मतलब एंगल ए सी बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 60 डिग्री. बाय अल्टरनेट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. अब यहाँ पर देखिए हमें ए बी की वैल्यू तो गिवन है, फाइंड क्या करना है, देन फाइंड हाउ फार अ शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, लाइट हाउस से शिप कितनी डिस्टेंस पर है, मतलब यहाँ पर हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी. तो ये कहलाता है बेस, ए बी है परपेंडिकुलर, मीन्स यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर एंड बेस की बात हो रही है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो टेन 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल हमें कितना गिवन है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय बी, तो पी कितना है ए बी और बी बी सी है, तो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री इक्वल टू ए बी, ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 90 डिवाइडेड बाय बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. अब यहाँ से हम रूट थ्री को इक्वल टू राइट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, बी सी इधर आ जाएगा, देयर फोर बी सी इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय रूट थ्री होगा. जब भी किसी कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है और नीचे की तरफ अगर रूट में वैल्यू हो, कोई सर्ड वैल्यू हो, तो उसे हम डिनोमिनेटर ऑफ रेशनलाइजेशन द्वारा सॉल्व करते हैं. देयर फोर बी सी इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय रूट थ्री, रेशनलाइजेशन का मतलब है इसी का मल्टीप्लाई हमें ऊपर नीचे दोनों तरफ करना होगा. देयर फोर बी सी इक्वल टू 90√3, 90 × √3 इक्वल टू 90√3 डिवाइडेड बाय √3 × √3 इक्वल टू 3. √3 × √3 क्या होता है 3. ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर देयरफॉर बी सी इक्वल टू 90 × √3, 90 × √3, रूट थ्री की वैल्यू हमें गिवन है 1.73, 1.73 डिवाइडेड बाय 3. देयरफॉर बी सी इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 0. यहाँ पर आएगा 30 × 1.73 इक्वल टू 51.90 मीटर. तो यहाँ पर हमारे पास बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 51.90 मीटर. देयर फोर द शेप इज 51.90 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट हाउस. क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर, मतलब दो बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग एक दूसरे के सामने है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है. फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर
एक बिल्डिंग जिसकी हाइट 10 मीटर है वहां के टॉप से सेकंड बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है कोई व्यक्ति। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60। तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, तो हमें यहाँ पर सेकंड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टू बिल्डिंग्स है ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी टू बिल्डिंग्स है। ए बी की हाइट 10 मीटर है, यहाँ से सेकेंड बिल्डिंग के टॉप को कोई व्यक्ति देख रहा है, तो यहाँ की तरफ जो एंगल बन रहा है वो एंगल बनेगा 60 डिग्री। बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस है, मतलब दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर। तो हमें सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सेकेंड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी होगी। लेट ए बी एंड सी डी represent the heights of the two buildings and BD represent the width of the road। यहां बी डी रिप्रेजेंट कर रहा है width of the road को। draw segment AM the perpendicular of segment CD। एम हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा है सी डी के ऊपर, तो एम एक 90 डिग्री का एंगल होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर एलिवेशन एंगल क्या है 60 डिग्री, इक्वल टू एंगल सी ए एम इक्वल टू सी ए एम इक्वल टू 60 डिग्री। ए बी इक्वल टू 10 मीटर एंड बी डी इक्वल टू 12 मीटर इन ए डी ए बी डी एम ए बी डी एम। यहाँ ए बी की वैल्यू 10 मीटर है, तो डी एम भी 10 मीटर होगा क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा एम डी भी। बी डी 12 मीटर है, तो यहाँ पर एम की वैल्यू भी 12 मीटर होगी। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं और ये भी 90 डिग्री के एंगल है, मतलब ये एक रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ए बी इक्वल होगा डी एम के, तो ए बी की वैल्यू 10 एम है, तो डी एम की वैल्यू भी 10 मीटर हो जाएगी। सेम ऐसे बी डी की वैल्यू 12 मीटर है, तो यहाँ पर एम की वैल्यू भी 12 मीटर हो जाएगी। एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज सेगमेंट ए एम इज अ परपेंडिकुलर ऑफ सेगमेंट सी डी, क्योंकि हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा, तो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल होंगे। सही, देयरफॉर रेक्टेंगल ए बी डी एम इज अ रेक्टेंगल because each angle is 90 degree। यहाँ पर हमने बताया कि चारों एंगल्स 90 डिग्री के, मतलब ए बी डी एम एक रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल है मतलब अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। देयरफॉर ए एम इक्वल टू बी डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 12 मीटर एंड डी एम इक्वल टू ए बी
इक्वल टू 10 मीटर, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल. n राइट एंगल ट्रायंगल एएमसी, एएमसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. यहां पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू, हमें हाइट फाइंड करना है, मतलब सीडी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमें डीएम तो मिल गई, अब हमें फाइंड करना होगा सीएम की वैल्यू. सीएम की वैल्यू फाइंड करना है, एम की वैल्यू हमें गिवन है. तो यहाँ पर पी एन बी के लिए बात हो रही है, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी एम डिवाइडेड बाय बेस, बेस इक्वल टू ए एम. टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री. देयरफॉर रूट थ्री इक्वल टू सी एम डिवाइडेड बाय ए एम, एम इक्वल टू 12 मीटर. यहाँ पर रूट थ्री के डिवाइड में कुछ नहीं, तो डिनोमिनेटर में हमने लिखा 1. देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सी एम इक्वल टू, सी एम इक्वल टू 12 इंटू रूट थ्री, 12 इंटू रूट थ्री. हमें यहाँ पर 12 इंटू रूट थ्री मीटर वैल्यू मिली है सी एम की, सी एम की वैल्यू मिल गई है. अब हमें फाइंड करना है सी डी की वैल्यू, तो सी एम प्लस एम डी इक्वल टू सी डी होगा. देयरफॉर सी डी इक्वल टू डी एम प्लस सी एम, बिकॉज सी एम डी आर कोलिनियर पॉइंट्स, सी एम डी आर कोलिनियर पॉइंट्स, दैट इज सी एम प्लस एम डी इक्वल टू सी डी. देयरफॉर सी डी इक्वल टू डी एम, डी एम की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर प्लस सी एम, सी एम इक्वल टू 12 रूट थ्री मीटर इक्वल टू 10 प्लस 12 इंटू रूट थ्री. रूट थ्री की वैल्यू है 1.73 इक्वल टू 10 प्लस 12 इंटू 1.73 इक्वल टू 20.76 इक्वल टू 30.76. therefore CD equal to 30.76. मतलब हमें यहाँ पर सेकेंड बिल्डिंग की हाइट मिल गई है. therefore the height of the second building is 30.76 मीटर. आंसर क्वेश्चन नंबर 4. टू पोल्स ऑफ हाइट्स 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड. एक ग्राउंड है जिसमें दो पोल्स हैं, दोनों पोल्स की हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर है. द लेंथ ऑफ द वायर पास 8 देयर टॉप्स इन 22 मीटर. दोनों के टॉप्स को हमने आपस में ज्वाइन किया एक वायर से, तो वो वायर की जो लेंथ है वो है 22 मीटर. फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजेंटल. देखो हॉरिजेंटल लाइन और वायर के बीच का हमें एंगल फाइंड करना होगा. ये दो पोल्स हैं ए बी एंड सी डी. दोनों पोल्स के टॉप को हमने एक वायर से ज्वाइन किया है, तो वायर की जो लेंथ है वो है 22 मीटर. ए बी 7 मीटर एंड सी डी 18 मीटर. तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ए एम. यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है, मीन्स थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी होगी. ये M एंगल 90 डिग्री का है, तो ये सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे. सॉल्यूशन, लेट ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट द हाइट हाइट्स ऑफ two poles
एंड ए सी, ए सी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द वायर. Draw segment AM, segment AM the perpendicular of segment CD. Angle of elevation equal to CAM equal to angle CAM equal to theta. ये theta की value हमें find करनी है. ए बी की वैल्यू हमें गिवन है, ए बी इक्वल टू 7 मीटर, सी डी इक्वल टू 18 मीटर. दोनों पोल्स की लेंथ हमें मालूम है, हाइट ए बी इक्वल टू 7 मीटर एंड सी डी इक्वल टू 18 मीटर. एंड ए सी वायर, वायर की लेंथ है 22 मीटर. एंड ए बी डी एम एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री. दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोल्स खड़े हैं ये दोनों ही पोल्स यहाँ पर सीधे खड़े हुए हैं जमीन के ऊपर, तो 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे यहाँ पर. एंगल एम तो 90 डिग्री है ही, क्योंकि हमने ए एम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा सी डी पर, तो मतलब एंगल एम पर तो 90 डिग्री एंगल बनेगा ही सही. एंगल एम जब 90 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल ए भी एक 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा. एंड एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जब तीन एंगल्स 90 डिग्री का है तो जो रिमेनिंग एंगल है वो भी 90 डिग्री का होगा. रिमेनिंग एंगल ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी एम, यहां पर एंगल एम 90 डिग्री है क्योंकि ए एम इज अ परपेंडिकुलर ऑफ सी डी. Therefore, ABDM is a rectangle because each angle is 90 degree. DM equal to AB, क्योंकि यहाँ पर ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के, मतलब ए बी डी एम एक रेक्टेंगल है तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी. तो ए बी इक्वल है डी एम के, ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 7 मीटर, तो डी एम की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर इक्वल टू 7 मीटर बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल. Now, CD equal to CM plus DM. हमें CD की वैल्यू गिवन है, CD की वैल्यू हमें 18 मीटर गिवन है और DM की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 7 मीटर, तो हम CM की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो CD equal to CM plus DM because CMD are collinear points. CMD are collinear points. CD equal to 18 मीटर इक्वल टू CM, CM की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस DM, DM इक्वल टू 7 मीटर. देयरफॉर CM इक्वल टू 18 माइनस 7 इक्वल टू 11 मीटर. तो CM की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 11 मीटर. एंड राइट एंगल ट्रायंगल ए एम सी. अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें बी सी, मतलब ये जो बेस वाली साइड है इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, इसलिए हमें ये साइड की फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया था. लेकिन यहाँ पर हमें बेस वाली वैल्यू भी गिवन नहीं है और ये वैल्यू भी गिवन नहीं थी, तो इसलिए सबसे पहले हमने सी एम की वैल्यू फाइंड करी, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे. राइट एंगल ट्राइंगल ए एम सी,
साइन थीटा। अब हमें यहाँ पर ये वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन ये वाली वैल्यू गिवन है। वायर जिसे हम कहेंगे हाइपोटेनियस साइड, ये परपेंडिकुलर और ये एक बेस। तो हमें यहाँ पर पी एंड एच के लिए बात की जा रही है। पी डिवाइडेड बाय एच किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू पी मीन्स सी एम डिवाइडेड बाय एच, एच इक्वल टू ए सी। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू सी एम, सी एम इक्वल टू हमने अभी फाइंड किया 11 मीटर डिवाइडेड बाय ए सी, ए सी की वैल्यू है 22 मीटर। 11 मुझे 11, 11 टू जा 22 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आई है 1/2। तो साइन थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। बट साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, मतलब यहां पर हमें थीटा की वैल्यू मिल गई कितनी? 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए हमने फाइंड किया साइन थीटा इक्वल टू 1/2, लेकिन साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। मतलब यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजेंटल इज 30 डिग्री। आंसर क्वेश्चन नंबर 5। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। मतलब एक ट्री है जो बीच में से टूटता है, तो ट्री का जो बेस है उससे 20 मीटर दूरी पर वो गिरता है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो वो 60 डिग्री का एंगल बनता है वहां पर विद द हॉरिजेंटल। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट क्या है वो हमें फाइंड करनी है। ए बी एंड सी, मान लीजिए यहां से एक ट्री है जो टूट के नीचे की तरफ गिर रहा है, तो बी डी के बीच की डिस्टेंस है 20 मीटर। मतलब वो ट्री बी पॉइंट से 20 मीटर दूर जाकर गिरेगा। यहाँ पर ए सी इक्वल होगा सी डी के, क्योंकि ए सी ही टूटकर नीचे गिरा है, तो वो ए सी सी डी के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी 90 डिग्री। लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री सपोज द ट्री ब्रोक एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी एंड इट स्टॉप टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी। ए सी इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री विच टेक्स विच टेक्स पोजिशन सी डी सच दैट एंगल C
सीडीबी, एंगल सीडीबी इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर एसी इक्वल टू सीडी, क्योंकि एसी पेट टूट के नीचे एक तरफ गिरा है तो उसी को हमने सीडी नाम दिया है, तो एसी इक्वल टू सीडी हो जाएगा। इट इज नोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन बीडी इक्वल टू 20 मीटर एंड राइट एंगल ट्रायंगल सीबीडी 10 60 डिग्री इक्वल। यहां पर हमें हाइट फाइंड करना है, ट्री की हाइट फाइंड करना है और बेस मतलब उनके बीच की दूरी हमें गिवन है 20 मीटर। तो पी एंड बी के लिए बात हो रही है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो 10 60 डिग्री का हम फॉर्मूला लगाएंगे। 10 60 डिग्री इक्वल टू पी, पी डी मीन्स बी सी डिवाइडेड बाय बी बी इक्वल टू बी डी। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, देयरफॉर √3 इक्वल टू BC की वैल्यू हमें फाइंड करना है, BD BD इक्वल टू 20 मीटर। नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हमने 1 लिखा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देयर फोर BC इंटू 1 इक्वल टू BC इक्वल टू 20 इंटू √3 इक्वल टू 20√3 मीटर। लेकिन यहाँ पर हमें पूरा ट्री की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स AB की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने अभी इससे BC की वैल्यू फाइंड की है। तो BC के लिए अब हमें यहाँ पर AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए AC की भी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे CD की वैल्यू, क्योंकि AC इक्वल टू CD है, CD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो AC की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पर अब हम CD की वैल्यू फाइंड करने के लिए cos 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन्स cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है B डिवाइडेड बाय H, मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो इससे हमारी CD की वैल्यू आ जाएगी। ऑल्सो cos 60 डिग्री इक्वल टू B मीन्स BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मीन्स CD। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, देयरफॉर 1/2 इक्वल टू BD इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय CD। हमने यहाँ फाइंड किया था 1/2 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय CD, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन CD इंटू 1 इक्वल टू CD इक्वल टू 20 इंटू 2 इक्वल टू 40, 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 मीटर, देयरफॉर CD इक्वल टू 40 मीटर। तो हमारी CD की वैल्यू आ गई 40 मीटर, देयरफॉर AC इक्वल टू 40 मीटर, क्योंकि CD एंड AC दोनों ही साइड इक्वल है तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। नाउ AB इक्वल टू, अब हमें पूरे ट्री की वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स AB की वैल्यू फाइंड करना है, तो AB इक्वल टू AC प्लस BC, बिकॉज ACB आर कोलिनियर पॉइंट्स। AB इक्वल टू AC 40 मीटर प्लस BC, BC इक्वल टू 20√3 इक्वल टू 40 प्लस 20 इंटू √3, √3 इक्वल टू 1.73 इक्वल टू 40 प्लस 20 इंटू 1.73 इक्वल टू 34.6, 40 प्लस 34.6 इक्वल टू 74.6, देयरफॉर AB इक्वल टू 74.6, मीन्स हमारी ट्री की हाइट आ गई है 74.6, देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज 74.6 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइट एट द ग्राउंड। ए बी हाइट है
काइट के 60 मीटर अबाव जो काइट उड़ रही है उसकी हाइट है, और सी पॉइंट से हमने काइट को जो बांध रखा है टाइटली ग्राउंड से वो सी पॉइंट है। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल सी पर 60 डिग्री बनेगा। विद द ग्राउंड अज्यूमिंग देयर द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट एट विच काइट इज फ्लाइंग एंड पॉइंट सी रिप्रेजेंट द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग is tight at the ground. Angle ACB, is the angle made by the string with the ground. Therefore, angle ACB equal to 60 degree. AB equal to 60 meter. In right angle triangle ABC sin 60 degree. हम sin theta degree का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हम P and H मतलब परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब AC की वैल्यू फाइंड करनी है और AB की वैल्यू हमें गिवन है मीन्स P and H। तो P डिवाइडेड बाय H किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। तो हम यहाँ पर साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय AC लिख सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर इक्वल टू ए बी एंड हाइपोटेनस इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय ए सी। देयर फोर ए बी इक्वल टू 60 मीटर डिवाइडेड बाय ए सी, ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 बाय 2 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय ए सी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूट 3 ए सी इक्वल टू 60 इंटू 2। देयर फोर ए सी इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय रूट 3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है मतलब सर्ड है, तो यहाँ पर हमें इसका रेशलाइजेशन करना होगा। तो हम करेंगे रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे बाय ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इक्वल टू 60 इंटू 2 इक्वल टू 120 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 3। 3 वन जा 3, 3 फोर जा 12, 0 इक्वल टू 40 रूट 3। देयर फोर ए सी इक्वल टू 40 रूट 3। देयर फोर ए सी इक्वल टू 40 इंटू रूट 3, रूट 3 की वैल्यू 1.73। तो 40 इंटू 1.73 इक्वल टू 69.20 मीटर। देयर फोर द लेंथ of the string is 69.20 meter answer. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.